देखो प्रोबेबिलिटी तुम पढ़ के आए हो 10th क्लास में, थोड़ी बहुत तो याद होगी, 1% ज्यादा तो मैं पूछ ही नहीं, 1% याद है। अच्छा क्या पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी में, चांसेस वांसेस, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसे ऐसे पढ़ते होगे भाई। कोई इवेंट हो रहा है उसकी पॉसिबिलिटी आपको निकालनी है, चांसेस निकालने हैं भाई, ना होने के चांसेस भी निकाल सकते हो, होने के चांसेस भी। मान लो जैसे आज अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो मौसम क्या है आपका, मौसम बहुत खराब है, ठीक है, तो कोई आपसे ये पूछ ले कि कितने चांसेस है कि आज बारिश होगी, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कुछ भी बोल सकते हो भाई, बोल दो 50% चांसेस है, 90% चांसेस है, ठीक है। तो बेसिकली 90% जो है ये आप उसको क्या बता रहे हो, पॉसिबिलिटी बता रहे हो बारिश होने की। अच्छा यहाँ पे वो ये भी बोल सकता है बंदा भाई 10% चांस है नहीं होने की, राइट, ठीक है। अच्छा 0 to 1 डिजायर्ड आउटकम अबाउट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद है मतलब, ठीक है, मतलब बेसिकली हमें पॉसिबिलिटीज बतानी होती हैं भाई। कोई इवेंट है, मान लो कोई डाइस आपने फेंक दी, ठीक है, तो उसमें 4 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, चांसेस क्या है 4 आने के, ठीक है, तो ये सब आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हो, ठीक है। तो मैथ्स में बेसिकली क्या पढ़ोगे कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे है, राइट, ठीक है। तो देखो 3 अप्रोच हैं आपके, पहला क्या है आपका क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, ओके नंदिता बेटा। क्लासिकल थ्योरी में क्या होता है, इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा, नंबर ऑफ, आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेटा, आपका नाम बताओ पहले, गुड इवनिंग तो ठीक है, ये क्या है, कुछ और ही नाम लिखा हुआ है, प्रोबेबल, अच्छा ठीक है, गुड इवनिंग संस्कार, ये क्या नाम रख लिया आपने, ठीक है। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ये तुमने सबने पढ़ रखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तुम प्रोबेबिलिटी बोलते हो, बट यहाँ क्लासिकल थ्योरी में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली प्रोबेबल। बता सकते हो इक्वली प्रोबेबल का मतलब, नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, जिसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी हो, राइट, मतलब जब तुम एक डाइस फेंकोगे तो एक आने के जितने चांसेस हैं दो आने के भी उतने ही है, ऐसा तो नहीं है भाई एक ज्यादा बार आएगा, तुम्हें क्या पता है क्या, इक्वल चांसेस हैं 1 2 3 4 5 6 सबके आने के, राइट, तो इन ऐसे आउटकम्स को क्या बोलते हो, इक्वली प्रोबेबल, जिनके चांसेस क्या हैं, सेम हैं आने के, ठीक है, क्लियर है। तो इस फॉर्मूला का मतलब क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर तुमसे कोई पूछे, मान लो क्वेश्चन है आपका, आपने एक डाई थ्रो की है, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। अब आपसे कोई यूं पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, क्या हो जाएगा आंसर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो 4 कितनी बार है, फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमें चाहिए, मान लो यहाँ पे 4 की जगह ना ये लिख दे गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, और ये कितनी कितनी बार है, एक एक बार है, दैट मींस 4 एक ही बार है, एक ही फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 6, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 1/6, क्लियर है। अब ये मैंने क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कर दिया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि मुझे पता है जब आप एक डाई थ्रो करते हो 1 2 3 4 5 6 के आने के चांसेस क्या है, इक्वल है, क्लियर है, इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लू इसका भी, चलो बताई दो, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, बताओ। अब फेवरेबल क्या क्या हो जाएंगे केसेस भाई, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, राइट, 3 केसेस हो गए फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स 6, तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, आई थिंक ये अप्रोच आपको क्लियर है। दूसरा अप्रोच क्या होता है, दूसरा अप्रोच होता है आपका स्टेटिस्टिकल अप्रोच। देखो इसमें क्या होता है, स्टेटिस्टिकल तुम पढ़ के आए हो, स्टेटिक्स पढ़ के आए हो, राइट, उसमें तुम डाटा देखते थे, ठीक है, पूरा डाटा ही डाटा के साथ खेला है वहां पे हमने, ठीक है, तो स्टेटिस्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। मान लो हम उसने हमसे क्वेश्चन सेम ही पूछा है क्या, कि प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग अ नंबर 4 जब आप एक डाई थ्रो करते हो,
ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसमें? इसमें क्या करता है, क्या करना होता है कि आप डाई को ना बार बार फेंकोगे, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को आप बहुत बार करोगे। मान लो आपने 20 टाइम्स उस एक्सपेरिमेंट को कर लिया, बार बार आपने डाई फेंकी है, आपने ऑब्जर्वेशंस नोट की, भाई पहले एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, जो भी आ रहा है, 20 टाइम्स आपने उस डाई को थ्रो किया, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि उसमें 5 बार क्या है आपका, डाई ने 4 शो किया है, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जितनी बार डाई ने 4 शो किया, 5 अपॉन में जितनी बार आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है 20, तो आंसर क्या हो गया, 1/4, ठीक है, क्लियर है। मतलब बेसिकली स्टेटिस्टिकल अप्रोच में आप प्रोबेबिलिटी डाटा कलेक्ट करके निकाल दो, बार 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 एक्सपेरिमेंट करोगे, और ऑब्वियसली बात है जितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे आपका रिजल्ट्स उतने एक्यूरेट आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका स्टेटिस्टिकल अप्रोच। अच्छा, इन दोनों के लिमिटेशंस हैं। देखो पहली लिमिटेशन तो क्या है भाई, यहाँ पे तो चलो आपने एक डाई थ्रो की थी, 6 आउटकम थे आपके, ठीक है, लेकिन अगर आउटकम्स बहुत ज्यादा हो जाए, इनफाइनाइट ले लो, इनफाइनाइट आउटकम्स हो जाए, उस केस में आप लोग ये थ्योरीज यूज नहीं कर सकते, पहला लिमिटेशन। दूसरा क्या कि जो क्लासिकल थ्योरी थी आपकी, क्लासिकल थ्योरी जो है सिर्फ और सिर्फ इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स के केस में ही लग सकती है, इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स के केस में ही लग सकती है, ठीक है। अच्छा तुम बोलोगे मैम एक ऐसे एग्जांपल दे दो जो इक्वली प्रोबेबल ना हो। देखो तुम एक कॉइन उछालते हो, हेड और टेल आने की इक्वली चांसेस होते हैं भाई, हेड जितनी बार, हेड के जो चांसेस आने के वही टेल के होते हैं, राइट। लेकिन मान लो किसी ने कोई गड़बड़ कर दी और उस कॉइन में आगे पीछे हेडी हेडी मतलब कर देते हैं ना, सिर्फ फेक कॉइन्स बना लेते हैं, आगे भी हेड पीछे भी हेड, उसको टॉस करते हैं तो हेडी हेड आता है, राइट। तो उस केस में मेरे को ये बताओ क्या इक्वल चांसेस हो गए भाई, उसने कॉइन के दोनों फेसेस पे हेड चिपका दिया, ठीक है, जब भी उछालोगे हेड ही आएगा, टेल तो अब आएगा ही नहीं, राइट। दैट मीन्स हेड और टेल के अब इक्वल चांसेस नहीं है ना, इसका मतलब अब जो आउटकम्स हैं आपके वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है, इस केस में आप फिर क्लासिकल थ्योरी नहीं लगा सकते। क्लियर है, डिफरेंस समझ आया? ठीक यस मैम, है, अच्छा। तो ये दोनों थ्योरीज की लिमिटेशंस की वजह से एक तीसरा अप्रोच एक्सियोमेटिक अप्रोच। अब तुमने ये वर्ड सुना हुआ है, एक्सियम क्या होता है? एक्सियम क्या होता है, एक स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू इन इटसेल्फ नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड, या यूं कह सकते हो उसका कोई प्रूफ होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब होता है बट रिक्वायर्ड नहीं है। क्या है एक्सियम, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो अपने आप में ही ट्रू है, उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सियोमेटिक अप्रोच में आप क्या पढ़ते हो, कुछ रूल्स पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी निकालने के, और उन रूल्स के बेसिस पे ही आप सारी प्रोबेबिलिटी वगैरह जितनी भी जो भी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, एक बार कुछ टर्म्स हैं मेन मेन वो देख लेते हैं। अब जैसे एक्सियम का एग्जाम्पल दूं मैं, सपोज करो ए बी के इक्वल है, ठीक है, और मैंने एक इक्वल नंबर इसमें ऐड कर दिया, मान लो मैंने एक सी ऐड कर दिया दोनों तरफ, ए प्लस सी और बी प्लस सी, क्या ये दोनों अब भी इक्वल होंगे? ठीक यस मैम, है, इसके लिए तुम्हें कोई प्रूफ की जरूरत है क्या भाई? तुम्हें पता है इक्वल चीजें हैं, नो इक्वल चीज मैम, ऐड करोगे तो जो नया बनेगा कुछ वो भी इक्वल ही होगा, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली एक एक्सियम है, ठीक है। इसी तरीके से आप बोल सकते हो भाई ए है सी के इक्वल, बी भी सी के इक्वल है, तो आपको पता चल गया राइट कि ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी, भाई दो चीजें सेम चीज के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होंगी, ये भी क्या है, एक एक्सियम है, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। चलो यस अब मैम, बात है, देखो ये तो अप्रोचेस थे, ये अप्रोच हम आगे पढ़ेंगे, अभी रूल्स में बताऊंगी, पर अभी कुछ टर्म्स वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होती है। पहला तो आपका यूज होगा क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंट से आप फैमिलियर हो, एक्सपेरिमेंट होता क्या है, साइंस लैब में बहुत सारे किए होंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए, क्रिस्टल क्रिस्टल बनाए हैं क्या तुमने क्लासेस में? नहीं बनाए। देखो नो मैम, कॉपर सल्फेट आयुष ने बनाया है, नंदिता ने भी बनाया है, बताओ कि उनका कलर क्या होता है? ब्लू, ब्लू, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आप उस एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हो, लैब में बैठे हो आप, तो आपको जो रिजल्ट है वो क्या है, पहले से ही पता है, राइट, ठीक है, पता है ना यस पहले से मैम, रिजल्ट, ठीक है। लेकिन जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है आपका, उसमें आपको रिजल्ट पहले से पता नहीं होता है, क्लियर है।
अब आप एक डाई थ्रो कर रहे हो, क्या आपको पता है उस पे एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा? नहीं पता, राइट? इसका मतलब नॉर्मल एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफरेंस क्या हुआ भाई? हम बता नहीं सकते कि आउटकम आपका क्या आएगा, कांट प्रिडिक्ट आउटकम. ठीक है, एक चीज क्लियर हुई कि आप नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें आपको पता होता है रिजल्ट क्या आना है, आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करते हो. रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको पता नहीं होता रिजल्ट क्या आएगा. ठीक है, आपको पता क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन आउटकम्स पॉसिबल होते हैं. एग्री करते हो इस बात से? मोर देन वन आउटकम्स यस भाई, एक मैम, टाई फेंकोगे तो छह आउटकम्स आ सकते हैं. अब आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा आएगा, तभी तो आप उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो. अगर आपको ये पता ही है कि आपका आपको ब्लू कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं जो कि ब्लू कलर के हैं, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. ठीक है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो उसमें मोर देन वन आउटकम्स का केस नहीं है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं. रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाएगा, आपका मोर देन वन आउटकम्स होते हैं, आपको पता नहीं होता कि रिजल्ट आएगा क्या. ठीक है, कंफ्यूजन होती है, क्लियर है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्लियर हुआ? चलो आगे. यस मैम, ठीक है, इसके बाद क्या है आउटकम? ये तो मैं वर्ड यूज कर ही रही हूँ काफी देर से, तुम लोगों को पता चल गया होगा. कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हो आप? आउटकम्स. मान लो एक डाई थ्रो कर रहे हो तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पांच, छह, ये आपके क्या हो जाएंगे? आउटकम्स. क्लियर है? ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है सैंपल स्पेस. आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आए आपने नोट कर लिए. मान लो जैसे आपने डाई रोल की थी, तो पॉसिबल आउटकम्स थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही थे, इसके अलावा तो आ नहीं सकता. ऐसा तो नहीं कि सात आ जाएगा डाई थ्रो करोगे तो. ठीक है, अब इन्हीं आउटकम्स को आपने क्या किया, एक सेट में डाल दिया. इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? सैंपल स्पेस. तो बेसिकली एक सेट है जिसके अंदर आप कोई रेंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसके सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, लिखे हुए हैं. क्लियर हुआ सैंपल स्पेस का मतलब? अच्छा, ये सेट थ्योरी में तुमने पढ़ रखा, देखो यहाँ से सेट थ्योरी का भी इसमें काफी यूज होगा. तुम लोगों ने पढ़ा है सेट चैप्टर, तो काफी मिलता जुलता है. तुमने सेट थ्योरी में ये जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं, इनको क्या बोलते थे वहां पे? तुम एलिमेंट्स बोलते थे, राइट? ठीक है, लेकिन यहाँ तुम क्या बोल दोगे इनको? सैंपल पॉइंट्स. ठीक है, सैंपल पॉइंट्स. अच्छा, अब एक एग्जांपल दूं, अगर आप आपको मैं पूछूं भाई सैंपल स्पेस लिख के दिखाओ किसका? व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, इसका लिख के दिखाओ, इसका लिख के दिखाओ, टू कॉइन्स आर टॉस्ड. ठीक है, और किसका लिखोगे? इसका भी लिख दो, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड. लिखोगे एक बार फटाफट तीनों का? सैंपल स्पेस लिखना, बेसिकली आप देखो आउटकम क्या क्या आ रहा है, उसको सेट में डाल दो. अच्छा, नंदिता ने फर्स्ट का आंसर दे दिया. ठीक है, नंदिता ने बोला है भाई एच ओ टी. ठीक है, ठीक बात है, जब आप एक कॉइन को उछालोगे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. ठीक है, दो आउटकम्स आ सकते हैं, आपने क्या किया उसको सेट के अंदर डाल दिया. क्लियर है? ठीक है, टू कॉइन टॉस किए तो HHTTHTTH देखो, दो कॉइन टॉस किए तो देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है भाई. पहला कॉइन था, दूसरा कॉइन था. पहले कॉइन पे क्या आ जाए? एच आ जाए. दूसरे पे क्या आ जाए? टेल आ जाए. एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, ये बन सकता है. दोनों पे ही हेड आ जाए या दोनों पे ही टेल आ जाए, इसके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. तो आपने क्या कर दिया, इनको एक ब्रैकेट में डाल दिया. ठीक है, इसको क्या बोल दिया आपने? सैंपल स्पेस. जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे जब आप दो कॉइन्स को टॉस कर रहे थे, उन सारों को लिख के एक सेट में डाल दिया, उसको बोल देंगे सैंपल स्पेस. थ्री कॉइन्स का कैसे लिखोगे? देखो, थ्री कॉइन्स में तुमको याद करने में दिक्कत होती है, ट्रिक बता दूंगी छोटी सी, उससे तुम्हें याद रहेगी ये चीज. हाँ संस्कार बेटा. अच्छा, तुमने रटी रखी है तो चलो कोई नहीं. देखो, थ्री कॉइन्स में क्या करोगे, थ्री कॉइन्स के पॉसिबल आउटकम्स देखो ऐसे लिखा करो, याद रहेंगे और गलती भी नहीं होगी. दो कॉइन्स के तुम्हें पता चल गया ना ये आ रहे हैं, तो क्या करो एक बार दो कॉइन्स वाले लिख लो, दो बार लिख लो, दो लाइन बना लो. ठीक है, लिख लिए दो कॉइन्स वाले आउटकम्स, लिखे हैं मैंने, दो लाइंस बना दी, एच 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 टी एच एच टी टी टी. जरूरी नहीं है इसी इसी ऑर्डर में लिखो, किसी ऑर्डर में भी लिख सकते हो. ठीक है, अब मेरे को थ्री कॉइन्स के निकालने, तुम क्या करो एक लाइन में तो एच 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 लगा दो हर के पीछे, और दूसरी लाइन में टी 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 लगा दो हर के पीछे. ये बेसिकली आपके क्या हो जाएंगे, जब आप तीन कॉइन्स टॉस कर रहे हो तो पॉसिबल
आउटकम्स। इजी है, याद हो जाएगा, अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यस मैम। दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, संस्कार ने 6 ही लिखे थे ना, संस्कार बेटा 8 होंगे। देखो, जब एक कॉइन थ्रो कर रहे हो तो आउटकम 2 आ रहे हैं, 2 कॉइन थ्रो कर रहे हो तो आउटकम 4 आ रहे हैं, 3 कॉइन थ्रो कर रहे हो तो आउटकम बेसिकली 2 की पावर 3 8 आएंगे। ठीक है, तो देखो ये काउंट कर लेना, ये 8 ही होंगे आपके। क्लियर है? ठीक है, सैंपल स्पेस लिखना आ गया? कोई नहीं बेटा, ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। अच्छा, एक एग्जांपल और करो, 1 मिनट, चलो ये एग्जांपल करना एक बार। क्वेश्चन है आपका, अ कॉइन इज टोस्ट एंड अ डाई इज थ्रोन। अ कॉइन इज टोस्ट एंड अ डाई इज थ्रोन। आपको सैंपल स्पेस लिखना है इसका, मतलब पहले एक कॉइन टॉस की है, उसके बाद एक डाई थ्रो की है। चलो बताओ फटाफट। H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। पहले क्या किया, कॉइन टॉस किया, उसके पॉसिबल आउटकम भाई एच आ सकता है, टी आ सकता है, राइट? उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक डाई थ्रो कर दी, उसके पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता। अब हमें पॉसिबल पेयर्स बनाने। भाई ऐसा हो सकता है कि पहले कॉइन फेंका, उस पे हेड आ जाए और डाई पे क्या आ जाए, 1। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है पहले कॉइन फेंका हेड आ जाए पर डाई पे क्या आ जाए, 2। ऐसा भी हो सकता है हेड और डाई पे 3, हेड और डाई पे 4, हेड और 5 और हेड और 6। ठीक है, एच के साथ यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब आ जाओ टेल पे, टेल के साथ क्या बन सकता है, मान लो आपने कॉइन को टॉस किया और आपका कॉइन पे हेड टेल आ गया। ठीक है, तो टेल आ गया और डाई थ्रो की तो डाई पे 1 आ गया, टेल आया डाई पे 2 आया, टेल डाई पे 3, टेल डाई पे 4, टेल डाई पे 5 और टेल डाई पे 6। ये क्या है आपके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर है? ठीक है, यस इतनी चीज मैम। क्लियर हुई सबको? यस मैम। अच्छा, एक और बताओ फिर। क्वेश्चन है भाई, एक कॉइन टॉस किया है, चलो पूरा ही लिख लो, टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड ऑकर्स, सेकेंड टाइम इफ अ हेड ऑकर्स। ठीक है, आगे क्या है, इफ अ टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, इफ अ टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस, देन अ डाई इज रोल्ड वंस। आपको सैंपल स्पेस बताना है, बताओ। चलो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। जिससे बोला है आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, अगर कॉइन टॉस करने पे उस पे एक हेड आ जाता है तो आप उस कॉइन को दोबारा टॉस करते हो, ठीक है, लेकिन अगर टेल आ जाता तो आप एक डाई को रोल करते हो। उसका सैंपल स्पेस आपको बताना है। कर पा रहे हो कि नहीं भाई? आपने पहले क्या किया है, कॉइन टॉस किया, लिख लो भाई, कॉइन टॉस किया है, ठीक है, तो उस पे क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। ठीक है, अब इसने बोला जब हेड आए तो आपने क्या किया है भाई, एक और कॉइन टॉस कर दिया, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज क्या है, भाई हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, लेकिन जब टेल आ गया था तो आपने क्या किया, डाई को रोल कर दिया, तो उसके केसेस क्या क्या आ सकते हैं, 4 5 और 6 यही बन सकते हैं, इसके अलावा तो बन नहीं सकता, राइट? T1 T2 ओके नंदिता बेटा, टी वाला ठीक है, एच भी गड़बड़ है। मैम, H H H T T1 T2 T3 T4 T5 T6। हाँ देखो भाई, पहले जब कॉइन थ्रो किया हेड आया तो आपने क्या किया, दोबारा एक क्या कर दिया, कॉइन टॉस कर दिया, इसका मतलब
पहले हेड आया, दोबारा कॉइन टॉस किया, दोबारा वाले में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, पहली चीज क्लियर हुई। ठीक है, दूसरे पे आओ, दूसरे पे इसने क्या बोला, जब टेल आ रहा है तो टेल आने के बाद आपने डाई थ्रो कर दी, तो टेल के साथ डाई पे वन भी आ सकता है, टेल के साथ डाई पे टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी, फाइव भी और सिक्स भी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। क्लियर हुआ, यस और नो सबको? यस मैम। मधु बेटा समझ आया? नो मैम। अच्छा क्या नहीं समझ आया, देखो क्या कहा इसने, पहले हमने एक कॉइन थ्रो कर दिया, ठीक है। जब आप एक कॉइन थ्रो करोगे, टॉस करोगे, तो क्या क्या केसेस आ सकते हैं भाई, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, इतनी चीज समझ आई? ठीक यस मैम। है, अब इसने कहा है जब टॉस किया और हेड आ गया, तो आपके आपने क्या किया, दोबारा एक कॉइन टॉस किया, उस पे क्या आ सकता है भाई, एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इसका मतलब पहले कॉइन पे जब हेड था तो दूसरे कॉइन पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, भाई पहले कॉइन पे हेड था, मान लो मैंने दूसरा कॉइन टॉस किया तो हेड ही आ गया, पहले कॉइन पे हेड था, मान लो दूसरा कॉइन टॉस किया तो टेल आ गया, इसके अलावा कोई पॉसिबल पेयर नहीं बन सकता, राइट। फिर इसने क्या किया, इसने बोला भाई जब आपने कॉइन टॉस किया था, हेड वाले केसेस तो आपने ले लिए, लेकिन बाय चांस क्या क्या हुआ कि टेल आ गया। ठीक है, जब टेल आया था तो उसने क्या किया, एक डाई को रोल कर दिया। ठीक है, इसका मतलब मान लो आपने कॉइन उछाला, टेल आ गया, उसके बाद आपने एक डाई थ्रो की, तो उस पे क्या क्या आ सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसका मतलब टेल के साथ आप डाई थ्रो करो तो वन भी आ सकता है, टेल के बाद आप डाई थ्रो करो तो टू भी आ सकता है, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, सिक्स भी। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ऐसे धके हाँ वर्दी, क्या फील तो ऐसी आ रही है। ठीक है कोई नहीं, आ जाएगा, एक दोबारा और रीड करना इसको। देखो इवेंट क्या होता है, मान लो वही एग्जांपल रहते हैं, रोलिंग अ डाइस वाला। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, वन टू, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, आप क्या करोगे उसको एक सेट में डाल दो। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब मैंने क्या बोला है कि एक इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, इवेंट बेसिकली होता क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, सीधी सी भाषा में बोले तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मान लो मैंने एक इवेंट इवेंट डिफाइन कर दिया, कोई भी इवेंट, कुछ भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं इवन, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो उसको, भाई मैंने एक इवेंट इवन डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैंने एक इवेंट इवन बता दिया, क्या गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन थ्री ऑन टाइम। ठीक है, तो तुम्हें सबको पता है क्या क्या आएगा, फोर फाइव सिक्स, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ब्रैकेट्स में फोर फाइव सिक्स। क्लियर है? मान लो एक और इवेंट डिफाइन कर दिया, ई टू गेटिंग एन ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा, 135। इसको सेट में डाल दो, 135। ठीक है, मान लो मैंने एक और इवेंट डिफाइन कर दिया, गेटिंग अ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6। सारे हो गए। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, E1, E2, E3, SK क्या सबसेट्स हैं भाई, एक सेट अपने यस आपका सबसेट तो होता ही है, ये तो तुमने पढ़ रखा है, तो E3 तो उस रूल से हो गया। ठीक है, बाकी ये दो क्या है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, इस सेट के अंदर ही है, फोर फाइव सिक्स इसके अंदर है, 135 इसके अंदर है, तो बेसिकली E1, E2, E3 इस S के क्या हो गए, सबसेट्स हो गए। इसलिए बोला जाता है इवेंट क्या होता है आपका, एक सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। ठीक है, अब इवेंट्स के भी टाइप होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं इम्पॉसिबल इवेंट की, तो नाम से पता चल रहा है, अच्छा पहले ऑकरेंस ऑफ इवेंट देख लो, एक मिनट, ऑकरेंस ऑफ इवेंट का क्या मतलब है, देखो तुमने यहाँ पे एक इवेंट डिफाइन कर दिया, ई टू गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है, डिफाइन कर दिया, मान लो तुमने डाई उछाल दी, ठीक है, रोल कर दी, डाई रोल कर दी, तो तुम्हारे पास डाई पे जो रोल करने के बाद स्पेस आया, मतलब जो आउटकम आया वो क्या आया, टू आया। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या E2 ओकर हुआ, E2 हुआ क्या, E2 क्या था, 1 3 5 में से कुछ आना चाहिए था, आपके पास क्या आ गया, टू आ गया, क्या इवेंट ओकर हुआ, इवेंट हुआ, नहीं हुआ, राइट। तो ऑकरेंस का मतलब यही है, जो इवेंट आपने डिफाइन कर रखा है अगर वो हो गया तो मतलब ओकरेंस हो गई उसकी, अगर नहीं हुआ तो बोल दोगे कि वो ओकर नहीं हुआ है। क्लियर, जैसे अब यहाँ पे तुमने इवन डिफाइन कर रखा है 4 5 6, ठीक है, मान लो आपने डाई को रोल कर दिया और आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, मतलब
डाई पे क्या आ गया, थ्री आ गया, थ्री नंबर आ गया, तो आप क्या बोलोगे, इवेंट ऑकर नहीं हुआ है, जिसपे फोर फाइव सिक्स आया ही नहीं है डाई पे, हमारा तो क्या आया है, थ्री आया है। क्लियर है? ठीक यस है, तो मैम, सिंपल सी बात है कि भाई इवेंट होगा तो ऑकर हो गया, नहीं हुआ तो नॉट ऑकर। ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स पे। देखो टाइप क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, नाम से ही पता चल रहा है जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। मान लो रोलिंग डाइस वाला एग्जांपल है, ठीक है, सैंपल स्पेस आप सबको पता है कैसे लिखोगे, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, एक डाई को रोल करते हो तो ये हो सकता है। मैंने इवेंट इवेंट डिफाइन क्या कर दिया, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन सिक्स, बताओ क्या होगा इसका जवाब। क्या कोई डाई थ्रो करोगे तो उसपे छह से बड़ा नंबर आ सकता है? हाँ, कोई डाई थ्रो करोगे तो छह से बड़ा नंबर आ सकता है? नो मैम, नहीं आ नो सकता। मैम, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसको बोल सकते हो फाइव। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर कोई यस मैम, प्रोबेबिलिटी पूछे इम्पॉसिबल इवेंट की, जीरो भाई जीरो प्रोबेबिलिटी जीरो है होने की, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता, राइट? इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। ठीक है, अच्छा अच्छा दूसरा क्या है, श्योर इवेंट। अच्छा, श्योर इवेंट भी तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा, जो निश्चित हो। प्रोबेबिलिटी वन। हाँ, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि श्योर इवेंट क्या होगा, मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जितनी बार भी करोगे, मान लो तुमने 1000 बार कर लिया वो एक्सपेरिमेंट, तो वो इवेंट पक्के से ही होगा, राइट? एग्जाम्पल ले लो, मान लो जैसे सैंपल स्पेस तुमने डिफाइन किया था उसका, रोलिंग अ डाई का, ठीक है, तो अगर तुमसे कोई इवेंट 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 डिफाइन करके ऐसे बोल दे, गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नेचुरल नंबर, ठीक है, बताओ, जब भी डाई को रोल करोगे ये इवेंट होगा? क्या कोई ऐसा केस आएगा कि ये इवेंट ना हो? डाई को रोल करोगे, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन, चार, पांच या छह, ये छह के छह क्या हैं आपके, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करोगे आपका ये इवेंट पक्के से होगा, होगा कि नहीं? ठीक है, इसको आप क्या बोल दोगे, ये क्या है, एक श्योर इवेंट, मतलब 100% ये होगा ही होगा। तो ये होगा, आपको पता चल गया होगा ही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन। वन क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। यस मैम, यस मैम, इसके बाद आता है सिंपल इवेंट। देखो ये बहुत आसान है, ये डाई रोल की थी आपने, सैंपल स्पेस लिख दिया, अब मैं कोई इवेंट इवेंट डिफाइन कर रही हूं क्या, तो तुम इसको कैसे लिखोगे, गेटिंग अ नंबर फोर ऑन डाई, कितने केसेस हैं, एक ही है, फोर मैम ही, ठीक है, इसका मतलब एक सैंपल पॉइंट आया आपका इवेंट के अंदर, सैंपल पॉइंट्स थे अंदर वाले जितने भी थे, तो एक सैंपल पॉइंट आ गया। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हो आप, सिंपल इवेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक क्या हो, वन सैंपल पॉइंट। इसी तरीके से अगर मैं फोर की जगह पूछ लूं गेटिंग अ नंबर सिक्स ऑन डाई, तो भी एक एक पॉइंट आएगा, राइट? तो मेरे को एक बात बताओगे, कितने सिंपल इवेंट्स बन सकते हैं? सिक्स ठीक है, आप सिक्स सिंपल इवेंट्स बना सकते हो, सिक्स सिंपल इवेंट्स। क्लियर है? चलो आगे। यस मैम, ठीक है, सिंपल का उल्टा क्या हो जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड में क्या हो जाएगा, मान लो मैं उसी उसी एग्जांपल में आपको ये बोल देती, भाई मैंने एक इवन डिफाइन कर रखा है, क्या, गेटिंग एन इवन नंबर, तो आप क्या लिखते, ऐसे लिखते टू टू फोर फोर सिक्स सिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या एक सैंपल पॉइंट है? नहीं ना, इसमें तीन सैंपल पॉइंट्स है, मतलब मोर देन वन सैंपल पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा इवेंट के अंदर, तो कंपाउंड आप क्या इवेंट, बोल दोगे, कंपाउंड कंपाउंड, इवेंट, मोर देन वन सैंपल पॉइंट। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, ये आसान नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा भाई, जैसे तुम सेट्स में पढ़ के आते थे, सेट्स में कॉम्प्लीमेंट कैसे पढ़ते थे, मान लो ये एक यूनिवर्सल सेट होता था तुम्हारा, ठीक है,
ये तुम्हारा होता था यूनिवर्सल सेट। इसमें एक सेट है ए, ठीक है, और क्वेश्चन तुमसे क्या पूछते थे, भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बेसिकली ऐसे ऐसे लिख देते, या ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़ के सब कुछ, ठीक है, ए को छोड़ के सब कुछ। तो ए को छोड़ के सब कुछ क्या हो जाएगा, ये जो बच गया यही पार्ट हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली यही तुम प्रोबेबिलिटी में देख लो। अब अगर कोई इवेंट है, आपने कोई डाई रोल की थी, ठीक है, उस पे आपको सैंपल स्पेस आपको पता है क्या, 1 2 3 4 5 6, और कोई इवेंट आपने डिफाइन कर रखा है E1, क्या गेटिंग, ठीक है, तो ये इवेंट आप कैसे लिखोगे, 2 4 6 टू फोर ऐसे सिक्स लिखोगे। अगर मैं ये पूछ लूं कि इवन का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट चाहिए मुझे, तो क्या ऐसे लिख दूं, इवन थ्री डैश, फाइव ठीक है। तो आप देखो यहाँ यूनिवर्सल सेट कौन सा है, सैंपल स्पेस आपका, ठीक है। सैंपल स्पेस में ये इवन वाले एलिमेंट्स छोड़ के बाकी वाला पूरा का पूरा लिख दो, क्या क्या बच गया, 1 3 5, क्लियर है। फाइव तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब उस इवेंट को छोड़ के, मतलब उन नंबर्स को छोड़ के जो इवन में आए हुए हैं, आप बाकी वाले क्या लिख दो, सारे के सारे लिख दो सैंपल स्पेस में से निकाल के, क्लियर है, ठीक है, यस कॉम्प्लीमेंट्री मैम। इवेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्लियर है। तो ये क्या है, सेवन शेड्यूल सेवन रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, तो मैंने नंबर पहले में, अच्छा ये दो डाई आपने रोल किए हैं तो सैंपल स्पेस लिखवा रहे हैं, लिख दो, चलो पता ही है तुम्हें, टू डाई रोल की गई है बेटा, तो सैंपल स्पेस पूछा है इसने। 36 आएंगे मैम। भाई क्या क्या हो सकता है, पहली डाई पे 1 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए, पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2, 1 2 1 3 ठीक है, पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 4, पहली पे 1, दूसरी पे 5, पहली पे 1, दूसरी पे 6, 1 के साथ यही बन सकते हैं। अब मान लो पहली पे 2 ही आ जाए, पहली पे 2 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए, पहली पे 2, दूसरी पे 2, पहली पे 2, सेकेंड पे 3, 2 4, 2 5, 2 6, पॉसिबल केसेस 2 के साथ यही है। अब मान लो पहली पे 3 आ जाए और दूसरी पे 1, 3 दूसरी पे 2, 3 दूसरी पे 3, तो बेसिकली ऐसे करते करते आप कहाँ तक चले जाओगे, 6 तक चले जाओगे, 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, कुछ गड़बड़ी किया क्या, 4 4 रह गया ना, फोर फोर रह गया। तुम्हें छोड़ो, इतनी जल्दी कैसे खत्म होगी लाइन, 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, खैर है। तो बेसिकली कितने केसेस बन गए, 36 भाई पहली डाई थ्रो कर रहे हो तो 6 में से कुछ भी आ सकता है, 6 केसेस हैं आपके, दूसरी डाई थ्रो कर रहे हो 6 में से कुछ भी आ सकता है, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 36। अगर 3 डाई थ्रो करोगे तो 6 × 6 × 6 क्या हो जाएगा, ठीक है, 216 केसेस आपके पास बन जाएंगे, क्लियर है, चलो आगे। यस मैम। ये बताओ, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप, मतलब एक कॉइन को बार बार उछाल रहे हो जब तक एक हेड नहीं आ जाता, आपको सैंपल स्पेस बताना है। भाई क्या एक बार कॉइन उछाल दिया, मान लो पहली बार में ही हेड आ गया, इतनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका, ठीक है। मान लो आपने कॉइन उछाला लेकिन पहले में आपका क्या आ गया, टेल आ गया, पर इतनी अच्छी किस्मत फिर भी है कि आपका दूसरी में हेड आ जाए, ठीक है, खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। अच्छा मान लो आपने उछाला, पहले में भी टेल आया, दूसरी में भी टेल आया, तीसरी में हेड आया जाके, ठीक है, ठीक है, हेड आ गया, खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। दूसरा क्या भाई, टेल टेल, तीसरी में भी टेल आ जाए और चौथी में क्या आ जाए, आपका हेड, तो इसी तरीके से चलता रहेगा ये, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक यस मैम। है, सैंपल स्पेस समझ आया। यस मैम। अच्छा यस देखो, मैम। अब है बेसिकली आपका इवेंट ए और बी, ये बिल्कुल सेट्स में जैसे करते आए हो ना वैसे ही है, सेट्स में कैसे करते थे, ए और बी कैसे दिखाते थे,
यूनियन ये बी, आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनियन बी। ये सेट ए है और ये क्या है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए है, ये बी है। ए यूनियन बी क्या होता था, जो ए में है और बी में, ए में भी है और मतलब ए में है नहीं है चलेगा, हमें ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट्स लेने होते थे, राइट? ऐसे ही करते थे। तो यस मैम, इसमें यहाँ पे इवेंट यस ए और बी में भी मैम। ऐसे ही कर लोगे। मान लो भाई आपने डाई रोल की, ठीक है, और एक इवेंट इवन मैंने डिफाइन क्या कर दिया, नंबर अपीयरिंग ऑन डाई इज ग्रेटर देन 3, नंबर अपीयरिंग ऑन डाई इज ग्रेटर देन 3, एक मैंने इवेंट ये डिफाइन कर दिया, और एक ई2 मैंने डिफाइन क्या कर दिया, नंबर अपीयरिंग ऑन डाई, नंबर अपीयरिंग इज एन इवन नंबर। आपको इवन यूनियन ई2 मतलब इवन और ई2 बताना है, तो बेसिकली आपको इवन यूनियन ई2 बताना है। बताओ क्या हो जाएगा, पहले तो ये बताओ। 4, 5, 6, 2। देखो नंबर अपीयरिंग ऑन डाई इज ग्रेटर देन 3, क्या क्या हो सकता है, 4, 5, 6। नंबर अपीयरिंग यस, इज एन इवन नंबर, या 2, 4, 6। 2, 4, 6। हाँ तो 2, 4, 5, 6 बेटा, 5 भी तो है ना, तो यूनियन करोगे तो सारे एलिमेंट्स लिख दो, 2, 4, 5, 6, ठीक है, क्लियर है। अब यहीं पे तुमसे एंड पूछ लेता, तो देखो एंड जैसे और सिमिलर है किसके, यूनियन के, वैसे ही एंड किसके सिमिलर है, इंटरसेक्शन के, ठीक है। जैसे आप सेट्स में पढ़ते आए हो, ये मान लो ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये ए है, ये बी है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में हो, राइट, कॉमन पार्ट। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर पिछले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेते हम लोग क्या, कि मेरे को ये बताओ इवन एंड ई2 क्या होएगा, 4, 6, 4.6, सिक्स। हाँ, क्योंकि 4 और 6 आपके क्या है, कॉमन पार्ट है, क्लियर है। यस मैम, और वो एंड, और को यूनियन समझना, एंड को इंटरसेक्शन समझना, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक चीज और समझ लो, इवेंट ए बट नॉट बी, इसको कैसे लिखोगे, सेट थ्योरी में जैसे लिखते थे वैसे ही लिखना है। -B. मतलब -B. ए है पर बी नहीं है, ठीक है, तो ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा अगर हम सेट वाली उस पे चलें, तो भाई आपका इवेंट ए ये था और बी ये था, ठीक है, तो ए माइनस बी क्या ये हो जाएगा, यस और नो, ये रेड वाला पार्ट, यस मैम, ए में से बी माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो पीछे जो एग्जांपल हमने लिया था, क्या लिया था इसमें बताओगे, इवेंट इवन मतलब मान लो मैं क्वेश्चन ये पूछ लूं, इवन बट फाइव नॉट मैम, फाइव। ई2, नहीं बेटा इवन में से ई2 माइनस करना है, हाँ ठीक बात है, 5 ही आएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये क्या हो गया आपका सिंपल इवेंट, एक सैंपल पॉइंट है इसमें, सैंपल यस इवेंट, मैम, ठीक है। अच्छा चलो ये क्वेश्चन करो फिर, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। अच्छा देखो इन्होंने इवन की जगह ए लिखा हुआ है, इवेंट ए है, पहले सैंपल स्पेस लिख लो क्या होता है जब आप एक डाई को रोल करते हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ए क्या बोला हुआ है, गेटिंग अ प्राइम नंबर, क्या क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, यस और नो, यस मैम, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, यही हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसने पूछा क्या रखा है, राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स ए और बी, पहला इसने पूछ रखा है ए और बी बताओ, तो आपको पता है इसने क्या पूछा हुआ है, ए यूनियन बी पूछा हुआ है, बता दो फिर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5, ठीक है। सेकंड इसने क्या पूछा हुआ है, ए एंड बी, ये भी आपको पता है, क्या ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स पूछ रहा है ए और बी के, 3, 5। 3 और 5। थर्ड इसमें क्या पूछा है, ए बट नॉट बी, मतलब ए है पर बी नहीं है, तो मतलब ए माइनस बी पूछ रहा है, तो
तो ए में से बी के एलिमेंट्स टू माइनस कर दो। अच्छा खाली टू ही बचेगा, इतना बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने, खाली टू बचेगा। ठीक है, ए और बी में 3 5 कॉमन है, तो ए में से बी वाले एलिमेंट्स माइनस कर दिए मतलब हटा दिए, तो टू बचेगा राइट। ये एक सिंपल इवेंट हो गया, यस मैम ये ऊपर वाले कंपाउंड इवेंट्स थे, यस और नो, मोर देन वन सैंपल पॉइंट है इसमें। ठीक यस मैम है, एक और रह गया आपका फोर्थ, यही कर लो, क्या है, नॉट ए। अच्छा नॉट ए का मतलब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, मतलब ए को छोड़ के सैंपल स्पेस वाले जितने भी बच गए एलिमेंट सारे लिख दो, सैंपल पॉइंट्स। ए वाले छोड़ दो, 2 3 5 छोड़ दो, बस 2 3 5 छोड़ दो, तो क्या बच जाएगा, 1 4 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉट ए, जो ए नहीं है। क्लियर हुआ बेटा सबको, यस मैम चलो आगे। बाकी सबको हुआ कि नहीं, एक बार यस कर दो। ये ज्यादा आसान रहता है जब तुम सेट थ्योरी से उसको लिंक करके चलते हो, ठीक है, बहुत ही आसान हो जाता है सेट थ्योरी वाले उसमें जाने के बाद। तो ठीक है, अब आ जाओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पर। ठीक है, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, दो इवेंट्स हैं क्या, एक तो है ए और एक है बी। भाई ये क्या है, ए का ना कोई लेना देना है बी से, बी का ना कोई लेना देना है ए से। जब ए होगा तब बी नहीं होगा, जब बी होगा तब ए नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या आएगा, भाई कोई लेना देना ही नहीं है, लेना देना तो तभी नहीं होएगा ना, जब ये आपस में कोई मतलब ही नहीं रखते हो, इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स हो ही ना, 5 हो राइट। जैसे क्या, मान लो एक रोलिंग डाई का ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है, सैंपल स्पेस आपको पता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक मैंने इवेंट ए डिफाइन कर दिया, ए इवेंट मैंने डिफाइन क्या कर दिया, नंबर ग्रेटर देन 3। एक मैंने बी इवेंट डिफाइन क्या कर दिया, नंबर ग्रेटर देन 4, सॉरी ग्रेटर नहीं, उसको वो करो स्मॉलर देन 3। मेरे को बताओगे एक बार कि इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें तो देखो ग्रेटर देन 3 4 5 6 आएगा, यस ठीक मैम है, दूसरा क्या, इसको 2 कर लो, 1 2 हाँ 2 2 2 से छोटा कर लो, 2 से छोटा एक ही है 1। तो अगर मैं तुमसे एक पूछूं कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यस मैम यस और नो, है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। दूसरी बात, जब आप बी इवेंट मतलब ये वाला इवेंट होगा तो ये वाला पॉसिबल है क्या, 4 5 6 नहीं आ सकता जब बी होगा, और जब ए होगा तब 1 नहीं आ सकता, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 3 नंबर चाहिए होगा इसमें। इसका मतलब जब ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। और दूसरी चीज तुम्हें क्या याद रखनी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आएगा, 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, चलो आगे। यस मैम दूसरा है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अच्छा एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, देखो कुछ इवेंट्स गिवन मिलेंगे आपको, अगर वो एग्जॉस्टिव है तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उन सभी इवेंट्स में से एक ना एक इवेंट जरूर होगा, पहली बात, एक ना एक इवेंट जरूर होगा। दूसरी बात क्या, जब उन सभी इवेंट्स का यूनियन ले लोगे, ठीक है, यूनियन ले लोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ, जैसे अभी आपने ए और बी डिफाइन किए थे, ठीक है, एक सी और डिफाइन कर लो, मान लो मैंने एक इवेंट ए डिफाइन कर दिया, नंबर ग्रेटर देन 3, एक डिफाइन कर दिया नंबर लेस देन 3, ठीक है, और एक मैंने क्या कर दिया, एग्जैक्टली 3, और आपने डाई थ्रो की, और सैंपल स्पेस आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6। मेरे को एक बात बताओ, पहले लिख लो इसको, ये क्या आ जाएगा 4 5 6, ये क्या आ जाएगा 1 2, यही आएगा, और ये क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 3। यस बताओ ये सिंपल इवेंट है, ये दोनों कंपाउंड इवेंट्स है राइट। जब मैं डाई थ्रो करूंगी, मैंने कर दी, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो ए बी सी मैंने लिखे हुए हैं, क्या इनमें से कोई एक ना एक इवेंट पक्का पक्का होगा, भाई या तो लेस देन 3 नंबर आ जाएगा, या ग्रेटर देन 3 नंबर आ जाएगा, मतलब 4 5 6 में से कुछ आ जाएगा, या एग्जैक्टली 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी डाई थ्रो करूंगी, ए बी या सी में से कोई एक ना एक इवेंट पक्के से होगा राइट, होगा कि नहीं होगा, बेटा तुम डाई थ्रो करके देख लो, मान लो डाई पे 4 आ गया, क्या 4 ए से बिलोंग कर रहा है, ए इवेंट हो गया,
मान लो डाई पे तीन आ गया, तीन सी से बिलोंग कर रहा है, सी हो गया। मान लो डाई पे दो आ गया, दो किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब इवेंट बी हो जाएगा। मान लो डाई पे एक आ गया, एक किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। मान लो डाई पे पांच आ गया, पांच ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जितनी बार भी डाई थ्रो करोगे, ए बी सी में से कोई ना कोई इवेंट पक्के से होगा। ये बात सबको समझ आई है? यस मैम। ठीक है, पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज क्या कि आप इन तीनों का यूनियन ले लो। यूनियन कैसे लेते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इन तीनों के कंबाइन एलिमेंट्स लिख दो मिला के। क्या क्या बन रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 फोर 4 फाइव 5 सिक्स। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया? यस मैम। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव समझ आए तुम्हें? पहली बात तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट होगा पक्के से। दूसरी बात क्या, जब इन सारे इवेंट्स का यूनियन ले लोगे तो आपका सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते, एक बार रिवाइज कर लो, बाकी का कल कराऊंगा। एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, क्या क्या पढ़ा है तुमने आज, और यहीं के यहीं याद कर लो, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। आपने क्या पढ़ा था, पहले आपने पढ़ा था भाई क्लासिकल थ्योरी, बताओ क्या होती है फटाफट। प्रैक्टिकल क्लासिकल थ्योरी होती है जिसमें आप प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स। यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इक्वली प्रोबेबल मतलब जो भी आउटकम्स हैं उनके आने के चांसेस क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? और क्लासिकल थ्योरी लगती ही उन केसेस में है जहाँ पे आउटकम्स क्या होते हैं, आपके इक्वली प्रोबेबल होते हैं। दूसरा आपने पढ़ा था क्या, स्टेटिस्टिकल अप्रोच। स्टेटिस्टिकल अप्रोच में आप क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, बार 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 एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बाद आप क्या निकालते हो, प्रोबेबिलिटी निकालते हो। ठीक है, लिमिटेशंस क्या थी भाई, इनफाइनाइट आउटकम्स के केस में आप पिछले केसेस नहीं लगा पा रहे थे, या फिर आपको पता है अगर ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स हमें नहीं मिल रहे हो तो हम वहां पे क्लासिकल थ्योरी नहीं लगा पा रहे थे, राइट? तो हमें एक तीसरा मेथड चाहिए था, एक्सियोमेटिक पे चले गए। एक्सियम क्या होते हैं, कैसी स्टेटमेंट जो ट्रू होती है उसके उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली एक्सियोमेटिक अप्रोच में हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के आगे, जो अभी अभी तो मैंने तुम्हें टर्म्स बताई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ये रूल्स ही बताऊंगी। ठीक है, तो ये रूल्स पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा देखो, जो तुम लैब में करते हो ना अपने साइंस लैब में, उसको बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अच्छा ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो आपका आउटकम होता है, मतलब जो रिजल्ट है, वो क्या है, पहले से ही डिटरमाइंड है, मतलब पहले से ही पता है आपको कि आपको क्या रिजल्ट निकालना है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको नहीं पता कि आपका रिजल्ट क्या आएगा या आउटकम क्या आएगा। एग्जाम्पल के लिए सोच लिया करो, जैसे डाई मैं थ्रो करूंगी, मुझे नहीं पता एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा या छह आएगा। ठीक है, मुझे रिजल्ट नहीं पता। और दूसरी बात कि मोर देन वन आउटकम्स हैं तभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अगर एक ही आउटकम होता तो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं थी, आपको पता है भाई ये आएगा, राइट? मोर देन वन आउटकम्स हैं तभी आप कह रहे हो कि आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली आपका रिजल्ट आएगा क्या। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स आपको पता है, जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो जितने भी पॉसिबल रिजल्ट आपके आ रहे हैं उनको क्या बोलते हो आप, आउटकम्स। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको एक सेट में डाल दो, सेट में डाल दो, उसको क्या बोल देते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा इवेंट। इवेंट क्या होता है, इसके लिए ये डेफिनेशन याद कर लेना, वो छोटी सी है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। भाई कोई भी इवेंट है, मतलब कोई भी, वो बोल देगा आपको एक नंबर ग्रेटर देन थ्री बताओ, मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ ग्रेटर देन थ्री नंबर की। तो पहले क्या करोगे आप, इवेंट लिखोगे, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करोगे। प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकालना सीखा नहीं है, अभी तो हमने इवेंट लिखना सीखा है। ठीक है, तो इवेंट सबको क्लियर है ना क्या होता यस मैम। है? ठीक है, अच्छा ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, भाई कोई डिफाइन कर रखा है, उसने बोल रखा है ग्रेटर देन थ्री नंबर आना चाहिए, और आपने डाई थ्रो की और थ्री ग्रेटर देन थ्री नंबर ही आ गया, तो आप बोल दोगे इवेंट ओकर हो गया। मान लो दो आ जाए उस पे, दो तीन से छोटा है, तो आप क्या बोल दोगे, इवेंट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे आप एक डाई थ्रो करते हो, उसके ऊपर अगर आपसे कोई इवेंट डिफाइन कर दे गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन सिक्स, तो डाई थ्रो करोगे तो कभी भी सिक्स से बड़ा नंबर नहीं आएगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है क्योंकि ये कभी होता ही नहीं है, राइट? श्योर इवेंट क्या होता है, जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करोगे, जितनी बार भी, ये इवेंट पक्के से होगा। जैसे क्या, इवेंट गेटिंग अ नेचुरल नंबर ऑन अ डाई। ठीक है, तो जितनी बार डाई फेंकते हो एक नेचुरल नंबर पक्के से आता है, या तो एक आ जाएगा, दो तीन चार पांच छह, कुछ भी आ सकता है, बट ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब जितनी बार डाई फेंकोगे नेचुरल नंबर पक्का आएगा।
और नेचुरल नंबर पक्का आएगा, इसका मतलब ये इवेंट पक्के से हुआ, राइट? तो ऐसे इवेंट को क्या बोल देते हैं? श्योर इवेंट, क्लियर है? उसके बाद आता है सिंपल इवेंट. सिंपल इवेंट में क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट हो? एक, ठीक है? कंपाउंड इवेंट में क्या हो जाएगा? एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर मोर देन वन क्या हो? सैंपल पॉइंट हो. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो भी इवेंट दे रखा है उसको छोड़ के बाकी जितना कुछ भी सैंपल स्पेस में लिखा हुआ है सब आ जाएगा. जैसे यहाँ पे इवन लिखा हुआ था, गेटिंग एन इवन नंबर, तो 246 है, तो सैंपल स्पेस में 246 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स आपके बच गए वो क्या हो जाएगा? आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आता है इवेंट ए और बी. इसको तुम्हें कंपेयर, मतलब इसको किसके सिमिलर लेके चलना है? ए यूनियन बी. मतलब ए में भी है, बी में भी है, और ए बी दोनों में है तो भी चलेगा, राइट? ए एंड बी में क्या था? ए और बी में कॉमन पार्ट, ठीक है? मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है ए और बी में आपको वही लेने हैं, ठीक है? उसके बाद आपने क्या पढ़ा है? ए बट नॉट बी. मतलब जो ए में है पर बी में नहीं है तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स मतलब अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ए और बी, ए को कोई लेना देना नहीं है बी से, बी को कोई लेना देना नहीं है ए से, दूर दूर हैं अपने आप और दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होता, ठीक है? एग्जॉस्टिव में क्या हो जाता है? ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन करते हो तो किसके इक्वल आता है? सैंपल स्पेस के इक्वल. और दूसरी बात, जब भी कभी एक्सपेरिमेंट करोगे तो इन जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं उनमें से पक्के से कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट आपका हो ही रहा होगा, ठीक है? क्लियर है? ये टर्मिनोलॉजीज याद हो जाएंगी अब. यस मैम.